गुड इवनिंग एवरी वन, मैं संदीप गिल, एग्रीकल्चर विजन पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। तो आज जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है हाउसिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे अपन? हाउसिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल की हाउसिंग के बारे में अपने क्या पढ़ना है। देखो भी, हाउसिंग एक्चुअली में होता क्या, हाउसिंग का मैटर होता है कि हाउस ओपन क्लोज ये किसके टाइप, यानी चारों ओर से किसी एरिया को कवर किया है, वो एनिमल को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, तो वो एक प्रकार का क्या कहलाता है, हाउस कहलाता है। अब जब आप हाउस बना रहे हो उसमें कई चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले उसका जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा क्या रखते हैं, साउथ टू ईस्ट रखा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्या होनी चाहिए, जो ड्रेनेज फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर पानी खड़ा हो गया तो वहाँ पे गीला मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, मक्खियाँ मच्छर वगैरह जीवाणु विषाणु पैदा हो जाए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। लैंड की, लेबर की, वाटर की और लाइट की फुल फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हाउस डेवलप कर रहे हो। उसके अलावा नियर बाय क्या होना चाहिए, मार्केट। देखो भाई, नियर बाय मार्केट है तो किसी प्रकार का वो एनिमल कम्युनिटी, एनिमल प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो तो कम दूरी है, तो एक तो जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो क्या कम लगेगा, है ना। दूसरा, कम्युनिटी जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे पेरिसेबल नेचर के होते हैं, पेरिसेबल मतलब ख़राब होने वाले, जल्दी ख़राब होते हैं ना, इसलिए जितना नज़दीक लेके जाएंगे उतना जल्दी पहुंच जाएगा और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और जहाँ मार्केट से कोई भी कम्युनिटी खरीद के एनिमल के लिए ला रहे हैं तो पास रहेगा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कम। इसके अलावा नियर बाय बस स्टैंड, नियर बाय रेलवे स्टेशन, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए एक जो आप हाउस डेवलप कर, आसपास होना चाहिए। कम्युनिटी जो है उसके बेसिस पे भी थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि जैसे आप किसी जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है या फिर अपन नॉर्मल जैसे किस एरिया जैसे यहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र हैं तो वहाँ पे अपन मतलब बहुत सारे पिग्स को नहीं पाल सकते। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा अपने प्रोडक्शन को लेके प्रॉब्लम रहती है, जैसे कई एरिया में काऊ को नहीं पाल सकते जहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती, तो थोड़ा रिलीजन मैसेज भी सिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। एक ज़्यादा मैटर ये फैक्ट नहीं करता, बट एक छोटा सा टर्म अपने देख सकते हैं भी किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी होती है। कोई भी हाउस आप डेवलप कर रहे हो तो उसमें आप क्यों कर रहे हो ना, कि एनिमल को मेजर जो काम वही है कि एडवर्स जो क्लाइमेट कंडीशन है उससे क्या करना, एनिमल को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। जिसके हाउस प्रिंसिपल में क्या है कि सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि उसको एकदम प्रोटेक्शन देनी है एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा बारिश की वजह से कोई नुकसान, उससे बचने के लिए एनिमल को हाउसिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा हाउसिंग होता है कि इसलिए क्योंकि नेचुरल एनिमीज होते हैं ना, कुछ पशुओं के नेचुरल एनिमीज उसको अटैक ना कर सके, उनको मार ना सके, उनको स्वस्थ व एक स्पेशल जगह पे रखा जाता है ताकि उनका प्रोडक्शन अच्छा रहे, उनको हर तरह की जो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन या फिर नेगेटिव इफेक्ट है उसकी बॉडी पे, टेम्परेचर का है, वायु का, कुछ भी चीज़ का, उसको क्या किया जाए, अंडर कंट्रोल। तो ओवरऑल बात यह है कि टाइप ऑफ हाउस की जब अपने बात करते हैं, टाइप ऑफ हाउस की, टाइप ऑफ हाउस की जब बात की जाती है तो हाउस क्या होता है, टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होगा भाई, टू टाइप का होगा ना हाउस। कौन कौन से, पहले को बोलेंगे ओपन हाउस, ओपन या इसे बोला जाता है लूज हाउस,
ठीक है भाई। एक टाइप कौन सा होगा, ओपन या लूज हाउस हो गया। दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, क्लोज, या इसको बोलते हैं कन्वेंशनल हाउस या सिस्टम। अब देखो भी जो लूज हाउस होगा उसमें चारों तरफ बाउंड्री वॉल होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बाउंड्री वॉल हो जाएगी। यहाँ बीचों बीच इसके क्या बना जाते हैं, शेड बना देते हैं। तो यहाँ पे पूरी वाटर ट्रंक होगी और यहाँ पे पूरी मैंजर होगी, ताकि एनिमल पूरे टाइम फ्री है, यहाँ से आके वो इधर फीड कर सकता है, घूम फिर सकता है पूरे के अंदर। तो एनी टाइम ऑल टाइम एनिमल क्या रहता है, फ्री रहता है। किसको छोड़ के, अगर अपने एक्सेप्शन की बात करें तो किसको छोड़ के भी, मिल्किंग एंड कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, इन दो ही कंडीशन में बंद आ जाए, बाकी हर कंडीशन में खुला रहे, ऐसा हाउस क्या कहलाता है, लूज हाउस क्या कहलाता है। ठीक है, एरिया की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही है, वहाँ पे अपन डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया खुला है और कम जगह पे ये चीज़ें डेवलप नहीं की जा सकती। कन्वेंशनली में रहता है कि एनिमल क्या रहता है, हेल्ड ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये क्या रहता है, फिक्स रहता, वहीं बंधा रहता है। अब उन्हें बात करें कि ये कन्वेंशनल जो हाउस होता है ये टू टाइप का होता है, ठीक है, कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। देखो भाई कौन कौन सा, एक तो रहेगा सिंगल रो सिस्टम, ठीक है, और दूसरा रहेगा डबल रो सिस्टम। कह रहे डबल रो सिस्टम रहेगा। अगर अपने बात करें सिंगल रो सिस्टम की, तो इसमें जैसे ये अपने पास एक हाउस है, चारों तरफ से चार दीवारी, एक साइड अपने इसका क्या कर दो, या दो साइड गेट रख दो, इस पूरे के अंदर एक ही रो है बस, या फिर ऐसे खड़े एनिमल बस, एक ही सिंगल रो, जैसे बोला सिंगल रो, नहीं पूरे जो आपका हाउस है उसमें एक ही कतार के अंदर पक्षी पशु खड़े हैं, तो उसे बोलेंगे सिंगल रो सिस्टम। इसमें ओनली 10 एनिमल रखे जाते हैं ऑन ए शेड, एक शेड पे कितने रखेंगे, ओनली 10 एनिमल रखेंगे। अगर अपने बात करें दो की, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये है तो इसके अंदर एक ये होगी, एक ये पंक्ति होगी, है ना, अलग अलग दो पंक्तियों में एनिमल को क्या कर दिया अपने, खड़ा कर दिया। तो ये कहता है डबल रो सिस्टम गलत। अब ये डबल रो सिस्टम में आप 10 टू 50 एनिमल्स पर सेड के अंदर क्या कर रख सकते हो, ठीक है, इतने इसके अंदर आप आराम से रख सकते हो। अब ये जो डबल रो सिस्टम होता है ना भाई, ये भी आगे टू टाइप्स का होता है। पहला होगा फेस टू फेस सिस्टम, जैसे बोलेंगे टेल आउट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि इसमें फेस टू फेस यानी फेस एक दूसरे की तरफ और टेल बाहर की तरफ, अपोजिट साइड हो। दूसरा आएगा टेल टू टेल सिस्टम, जैसे बोला था टेल इन सिस्टम, यानी टेल अंदर की तरफ होगी, यह से बोला जाता है फेस आउट सिस्टम, यानी फेस क्या होगा उसका बाहर की साइड हो जाएगा। तो ये क्या रहते हैं, इसके टाइप्स रहते हैं। एक सिंगल शेड के अंदर, अगर आप बात करो एक सिंगल शेड की बात करो, तो एक सिंगल शेड में 100 या 100 से मोर देन एनिमल्स को अपन नहीं रख सकते, क्योंकि उसका इतने एक साथ रख रहे हैं तो वहाँ पे जो CO2 कंटेंट है उसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हाई हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के कारण इनकी डेड भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, और अगर ज़्यादा वहाँ पे यूरिन हो रहा है तो इससे अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगी, वो भी आँखों में सांस में इनमें इरीटेशन क्या करेगी, क्रिएट करेगी। अब अपने दो तरह के हाउस पढ़ेंगे, टेल टू टेल क्या होता है और फेस टू फेस क्या होता है। थोड़ा सा
ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान रखना भी पूरा, फिर बता देंगे बेस्ट कौन सा होता है। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं टेल टू टेल सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम। अब इस टेल टू टेल सिस्टम का क्या मतलब है? इस टेल टू टेल सिस्टम में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बाउंड्री वाल बनानी है, चार दीवारी जिसे बोलेंगे चारों तरफ, ठीक है भाई। ये क्या बनेगी? बाउंड्री वाल। इस बाउंड्री वाल की जो हाइट है वो है 3 फिट, और जो इसकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये विड्थ आ जाएगी, क्या आ जाएगी इसकी, ये विड्थ आ जाएगी ना, चौड़ाई आ जाएगी इसकी। अब चौड़ाई कितनी होती है? 0.30 मीटर। ये किसकी बाउंड्री है? चार दीवारी, बाउंड्री वाल का सिस्टम, ठीक है। इधर अपने गेट रखते हैं, या फिर एक यहाँ पर अपने गेट रखते। अब क्या अगर इस बाउंड्री वाल से थोड़ी बीच में जगह छोड़ के यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, ऐसे मंजर बना देंगे, ठीक है, ऐसे मंजर बना दें, ये मंजर, ये मंजर, ये मंजर, ये, यानी ये अपने नाद या ठाण या मंजर जिसमें पशु को खाना वाना डालना है। अब क्या करो, ये मंजर दो प्रकार की होती है, हाई फ्रंट मंजर और लो बैक मंजर, इस प्रकार की दो होती, ज़्यादा नहीं इसके बारे में पूछा जाता। अब यहाँ क्या करो, यहाँ पे आप एनिमल को इस तरह स्टैंड करा दो, यहाँ पे एनिमल क्या है, खड़ा है, बंदा। अब इस दीवार के और इसके बीच में एक खाली जगह बचती है जिसे बोला जाता है फीडिंग एले बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? फीडिंग एले, जिसकी चौड़ाई होगी मीटर, 1.4 मीटर जिसकी क्या होगी भी चौड़ाई होगी। अब यहाँ पे एनिमल ऐसे खड़ा है, जैसे एनिमल स्टैंड कर रहा है, इसे एनिमल स्टैंडिंग बोलेंगे, एनिमल जहाँ पे खड़ा रहता है। इसको ऐसे चाहिए 1.5 मीटर जगह की ज़रूरत, और ऐसे चाहिए इसको 1.8 मीटर। एक सिंगल एनिमल को चौड़ाई कितनी चाहिए 1.5, और लंबाई कितनी चाहिए 1.8 मीटर, ठीक है। इस एनिमल के जस्ट बैक साइड में एक ऐसी करके नाली होती है, जिसे नाली या क्या बोलेंगे, गटर बोलेंगे, जिस चारों तरफ से साफ हो जाती है ना, क्या बोलेंगे इसको, गटर बोला जाता है। तो 0.30 मीटर क्या होता है, गहरा होता है। सेम ऐसा ही इस साइड कि आपको क्या बनानी है, यहाँ पे मैंजर बनानी है। ये एक मैंजर बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। अब यहाँ पे आप कैसे एनिमल खड़े करना है, और इस एनिमल के पीछे भी आपको क्या बना देनी है, ऐसे गटर बना देना है, ठीक है। तो ये सेम वही जगह, खाली जगह, जिसे अपने क्या बोलेंगे, फीडिंग एले बोलेंगे, है ना। अब ये जो फीडिंग एले, यहाँ से बंदा आएगा बस, जो भी फीडिंग हो, इधर तक आके अपना चारा डाल के चला जाएगा उसको, जिसकी चौड़ाई 1.4 मीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल स्टैंड करेगा, एनिमल स्टैंडिंग आ जाएगा। तो एनिमल स्टैंडिंग जहाँ करेगा, 1.8 मीटर तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, और 1.5 मीटर क्या होगी, उसकी विड्थ। इतनी एक एनिमल को जगह चाहिए, पीछे उसका गटर। अब ये जो जगह खाली बच जाती है, यहाँ से एनिमल को वापस ले जा सकते हैं, यहाँ पे बंदा इधर से सफाई करता है, उधर इधर से सफाई कर सकता है आराम से। इस खाली जगह को बोला जाता है सेंट्रल पाथवे, और ये सेंट्रल पाथवे 1.8 मीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या हुआ, देखो ये इधर इसका, इधर इसका, दोनों की एक साइड क्या दिख रही है, टेल टू टेल है, और फेस आउट, इसका फेस इधर, इसका इधर, टेल इन यानी टेल एक दूसरे की साइड। तो ये मेथड कौन सा होगा, टेल इन टू टेल मेथड हो गया। अब इसमें जगह वैसे रखते पर इतना बेस्ट नहीं होता फेस टू फेस, इसमें क्या करेंगे, देखो भाई एक कॉमन मेंजर बनानी पड़ेगी आपको। इस कॉमन मेंजर में इस तरह से एनिमल आपको खड़े करने पड़ेंगे, ऐसे इधर इसका गटर अलग होगा, इसका इधर गल होगा दीवार के सारे, तो एनिमल को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे एक ही जगह। जब ये फीडिंग वगैरह करेंगे तो रेस्पिरेशन डिजीज भी एक दूसरे की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो इतना अच्छा मेथड नहीं है एज कम्पेयर टू टेल मेथड के।
अब अगर हम बात करें रूफ की, है ना, कि छत कैसी होनी चाहिए, रूफ कैसी होनी चाहिए, पहली बात ट्राइंगल होनी चाहिए, यानी इस तरीके से। क्यों, इसके पीछे का रीजन देखो। अगर ये हाउस है पूरा, इसके ऊपर ये छत है जो इस तरह लगी होती है, क्यों, कारण कि जो भी पानी आएगा दूर ऐसे गिरता रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा। ये जो एब्स्ट्रैक्ट सीट लगी होती है इस पर, बाहर की साइड कैसा कलर करते हैं इसके, वाइट, क्यों, कि अगर बाहर के साथ अगर वाइट कलर नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, जो सूर्य से जो किरणें आ रही है, हीट आ रही है, उसको क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह ये गर्म हो जाएगा और अंदर पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसलिए बाहर इसके क्या की जाती है, सफेद। दूसरा जो मैन जो क्वेश्चन पूछा था कि साइड से हाइट होती है 10 फिट, परंतु अगर आप ये फ्लोर के सेंटर से देखो, दीवार के साइड से देखो तो 10 फीट हाइट होती है दीवार की, अगर सेंटर से देखो तो लगभग 15 से 20 फीट क्या होती है इसकी ऊंचाई होती है, बस ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये तुम्हारे हाउसिंग के स्ट्रक्चर के बारे में था। अब एक छोटी मोटी बातें कर लेते कि कौन से एनिमल को कितनी जगह की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे देखो भी अपने एनिमल, एक तो काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इसके अलावा बुल हो गया, यंग काव्स हो गए और ओल्ड काव हो गए, यानी थोड़े से ज़्यादा है इसकी। इनकी अगर अपने बात करें, इनको अपन क्या दे रहे हैं, हाउस, कौन सा, एक तो हाउस अपने कौन सा दे रहे हैं इनको, क्लोज, और दूसरा कौन सा देंगे, ओपन हाउस। दो प्रकार के अभी बताए थे, ओपन और क्लोज, ठीक है भाई, इसको क्या दे दिया आपने, हाउस से दे दिया। इसके अलावा क्लोज ओपन हाउस आ गया, ठीक है, और फिर आ जाता है एनिमल कितने रख सकते हैं एक पर्टिकुलर हाउस में, नंबर ऑफ एनिमल कितने रख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है हाइट, भी हाइट कितनी रखोगे, बस इसका फिक्स है 175 सेंटीमीटर होगी सबकी मैक्सिमम हाइट। वैसे तो हाइट बहुत ले सकते हैं, परंतु एक नॉर्मल हाइट आप कितनी रखनी चाहिए, 155 तो होनी चाहिए ताकि एनिमल की हाइट के हिसाब से। अब जो आपको यहाँ पे एरिया रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, क्लोज में और ओपन में, वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, ठीक है। अब जब अपने गाय की बात करेंगे तो गाय को ओपन में चाहिए 3.5 मीटर क्लोज में जगह, ठीक है, और इसको चाहिए, इधर चाहिए ओपन में ज़्यादा, कितनी गाय रख सकते हैं, 50, ठीक है। बुफेलो आपको 4 मीटर स्क्वायर तो क्लोज में और 8 मीटर स्क्वायर किस में चाहिए, ओपन में, कितने आने वाले एक साइड में रख सकते हैं अपने, 50 अधिकतम। बुल को 12 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता और इधर 24 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता, परंतु इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, एक ही रख सकते हैं। यंग काव जो होते हैं इसको 1 मीटर स्क्वायर की जगह एक को और इसमें 2 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता, ये 30 रख सकते हैं। ओल्ड काव की बात करें तो 2 मीटर स्क्वायर जगह तो इसको किस में दे दो आप, क्लोज हाउस में, और 4 मीटर स्क्वायर आप इसमें दे दो ओपन हाउस में, तो टोटल इसमें भी कितने रख सकते हैं, 30। ये सिमिलर ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा टॉपिक हुआ हाउसिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, इतना ही है जो आपका टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।